नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 34 जिलों ने भेजा पंचायत चुनाव कार्यक्रम। बिहार में मुखिया और गांव वालों के संग अधिकारी करेंगे रात में तटबंधों की निगरानी। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से ज्यादा मामले। पटना के नवोदय विद्यालय में TGT और PGT के पदों पर निकाली गई भर्तियां। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हुए उत्पन्न। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के नवोदय विद्यालय में TGT और PGT के पदों पर निकाली गई भर्तियां। पटना के नवोदय विद्यालय में नौकरी की इच्छा रखने वाले नवोदय विद्यालय समिति पटना बिहार ने TGT, PGT और क्रिएटिव टीचर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो NVS भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2021 तय की गई है। इसके साथ विद्यालय की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि आवेदन भरने की तारीख के बाद से कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, सिलेक्शन प्रक्रिया और सैलरी स्ट्रक्चर की सारी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगी। बिहार में NHAI ने 215 योजनाओं को दी स्वीकृति। बिहार में NHAI ने हाल ही में 215 योजनाओं को स्वीकृति दे दी है, जिसमें कई जगहों पर अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, सर्विस लेन का निर्माण और सड़क की संरचना में बदलाव की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर 1200 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। जानकारों की माने तो जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि पटना में बाईपास पर कर्मलीचक के अंडरपास तक मसौढ़ी में एक फ्लाईओवर और निर्माण सड़क सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। यह निर्माण उन जगहों पर कराए जाएंगे जिसे पहले राज्य सरकार ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 109 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1435 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 2, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, ईस्ट चंपारण में 3, गया में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 6, खगड़िया में 6, किशनगंज में 6, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 4, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 3, नवादा में 4, पटना में 20, पूर्णिया में 7, समस्तीपुर में 7, सारण में 3, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 2, सुपौल में 2, वैशाली में 5, वेस्ट चंपारण में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 109635 सैंपल की जांच की गई, वहीं 211 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ जैसे उत्पन्न हुए हालात। बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, चंपारण सहित 11 जिलों में यही कारण है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ दरभंगा में बाढ़ के पानी से गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र ढह गया है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिहार में कोसी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर कई गांवों में पानी भर गया है। नदियों के उफान से डरे लोग की आशंका को लेकर उचित स्थान पर जा रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। इसके साथ ही सुगौली से सैलाब का संकट गहराता जा रहा है। नदी के कटान की वजह से किनारे बने घर पानी में बह गए हैं। मधुबनी में भारी बारिश की वजह से कमला बलान नदी उफान पर है। गंडक, बागमती, कमला और महानंदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे वीरेंद्रनाथ सरकार की। वीरेंद्रनाथ सरकार का जन्म आज ही के दिन बिहार के भागलपुर जिले में साल 1901 में हुआ था। वो बीएन सरकार के नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्रनाथ सरकार भारतीय फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनके महान योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार द्वारा साल 1970 में उन्हें भारतीय फिल्म क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1972 में उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं वीरेंद्रनाथ सरकार ने आखिरी सांस 28 नवंबर 1980 को कोलकाता में ली थी। आपको बता दें, वीरेंद्रनाथ सरकार 1971 से लेकर 1955 तक बतौर फिल्म निर्माता काफी सक्रिय रहे थे। दिल्ली में
मेट्रो फेज 4 और पटना मेट्रो से जुड़ा स्वदेशी IPMS देश में बने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की मदद से दिल्ली मेट्रो फेज 4 और पटना मेट्रो के काम को डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जाना अब आसान हो गया है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने काम को डिजिटलाइज करने की बड़ी पहल की है और यह कदम उठाया है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यह सॉफ्टवेयर एक कस्टम मेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोजेक्ट प्लानिंग के सभी चरणों और ठीक निविदा के चरण को लेकर के हर एक पर रेवेन्यू ऑपरेशन तक की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही वर्क फ्रंट की उपलब्धता संबंधी मुद्दे जैसे भूमि की उपलब्धता, वृक्षारोपण तथा सर्विसेज की शिफ्टिंग और डिजाइन के स्टेटस की मॉनिटरिंग भी इससे की जाएगी। बिहार के इन जिलों में आज रहेगा मौसम का ये हाल। IMD पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में लगभग सभी स्थान पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण मध्य बिहार के बेगूसराय, गया, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई और दक्षिण पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम बिहार के वेस्ट चंपारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। बिहार में मुखिया और गांव वालों के संग अधिकारी करेंगे रात में तटबंधों की निगरानी। बिहार में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय और उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी कई जगहों में घुस गया है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि मुखिया और गांव के लोगों के माध्यम से रात भर तटबंध पर निगरानी की जाए। इसके साथ ही हर दिन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने की बात भी कही गई है ताकि अचानक से बाढ़ का पानी किसी गांव में ना घुस जाए। निगरानी के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि जिला प्रशासन के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी जिलों में तैनात किए गए हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर पल पल की जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी 28 जिलों के DM को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन 12 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं वहां राहत बचाव के साथ तटबंध को और जमीन में तटबंधों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मुखिया को भी इससे जोड़ा गया है जो गांव वालों के साथ मिलकर तटबंध की सुरक्षा पर नजर रखेंगे। मदन सहरी के इस्तीफे पर RCP सिंह ने दिया बयान। अफसरशाही के मामले को लेकर पार्टी के बीच शुरू हुए कलह के बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग नहीं मिलने के चलते ऐसी स्थिति बनती देखी जा रही है। अधिकारी हो या मंत्री, सभी की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण किनका क्या रोल है ये पता नहीं होता है, इसके कारण ही विवाद देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से यह व्यवस्था बिहार में पहले से चली आ रही है। मैं उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी रह चुका हूं और वहां हम लोगों को जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था वैसी व्यवस्था यहां नहीं है। इसका रास्ता यही है कि संवाद बना रहे और समय समय पर सभी को ट्रेनिंग मिलती रहे। बिहार के 34 जिलों ने भेजा पंचायत चुनाव कार्यक्रम। COVID-19 की रफ्तार कम होने के साथ ही पंचायत के चुनाव की रफ्तार तेज हो गई है। इसी बाबत राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य रूप से EVM मंगाने और चुनाव कार्यक्रम भेजने की समीक्षा की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान चुनावी कार्यक्रम नहीं भेजने वाले जिला निर्वाचन अधिकारियों को हर हाल में आज तक का समय यानी कि सोमवार तक का समय दिया गया है। साथ ही सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जानकारों की माने तो ऐसे 4 जिले हैं जिन्होंने अभी तक आयोग को चुनाव कार्यक्रम नहीं भेजा है, जिसमें पटना, आरा, शेखपुरा और सीतामढ़ी का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, आयोग को कैमूर और नालंदा जिले से भी मुकम्मल चुनाव कार्यक्रम फिलहाल प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके पुनर्गठन के बाद नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हुए और मतदाताओं और बूथों को हटाकर शीघ्र जानकारी भेजने का निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही एक एक जिला निर्वाचन अधिकारियों से पूछा गया है कि EVM मंगाने के लिए टीम बनी है या नहीं। पटना में अत्याधुनिक टेस्टिंग ट्रैक बनकर हुआ तैयार। फुलवारी जेल के पास बने परिवहन कॉम्प्लेक्स में टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें डिजिटल सेंसर और ऑटोमेटिक कैमरा लगाने का काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक ये पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही लगभग 3 महीने के बाद ड्राइविंग टेस्ट फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पहले से इसके तौर तरीके पूरी तरीके से बदले रहेंगे, क्योंकि पहले यह परिवहन निगम के फुलवारी डिपो परिसर के एक छोटे हिस्से में परंपरागत ढंग से होता था, जबकि यह पूरी तरह डिजिटल अत्याधुनिक ट्रैक पर होगा। मिली जानकारी के अनुसार टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ITDR के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे जो सर्वर को गाड़ी के हर क्षण के मोमेंट की सूचना देंगे। इतना ही नहीं, इसकी मदद से कंप्यूटर पर बैठा व्यक्ति इसके आवागमन की पूरी जानकारी ले सकेगा और इस पर पूरी तरीके से नजर भी बनाकर रख सकेगा और चालक के ड्राइविंग स्किल का पूरा आकलन किया जा सकेगा।
अगले हफ्ते जिलों से टीम दूसरे राज्यों से ईवीएम लाने जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर ईवीएम लाने को लेकर अगले सप्ताह जिलों से टीम दूसरे राज्यों में जाने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्धारित राज्यों से आवंटित किए गए ईवीएम को 15 जुलाई तक लाने का निर्देश दे दिया है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त दीपक प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से ईवीएम को लाने पर जोर दिया गया है। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली थी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव केंद्र राम ने इस दौरान बताया कि ईवीएम को दूसरे राज्यों से लाए जाने को लेकर जिला द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई है। बैठक में जिला पदाधिकारियों ने बताया है कि ईवीएम लाने के लिए टीम गठित कर दी गई है और ईवीएम को रखने के लिए चिन्हित स्थल को तय किया जा चुका है। बिहार में खेलते खेलते बन सकते हैं दरोगा। बिहार में 21 प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलते खेलते नौकरी मिलने वाली है। पुलिस विभाग की तरफ से हाल ही में जारी की गई जानकारी के अनुसार खेल कूद कोटा पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती 2021 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें बिहार खेलकूद नीति 2013 के तहत पुलिस अवर निरीक्षक की सीधी भर्ती खेलकूद के आधार पर ही की जाएगी। इसमें 21 सीट खाली है। इसमें के लिए योग्य अभ्यर्थी 10 जुलाई से 9 अगस्त तक आवेदन भर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharpolice.bih.nic.in पर जानकारी ले सकते हैं। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं होगी। डीजीपी की अध्यक्षता में गठित विशेष खेल समिति द्वारा प्रतिभा खोज समिति के अनुशंसा पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। कोविड-19 से जंग जीतने की बिहार में शुरू हुई अनोखी पहल। बिहार में कोविड-19 की लड़ाई के बीच आईएमए ने बड़ी तैयारी कर ली है, जिसके तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब गांव को गोद लेकर वैक्सीनेशन का काम करने वाला है। इतना ही नहीं, गांव में वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में 10,000 आईएमए के सदस्य 20,000 गांव को गोद लेने वाले हैं, जबकि पूरे देश में 4,00,000 सदस्य 8,00,000 गांव को गोद लेकर वैक्सीनेशन का काम करने वाले हैं। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजाद ने इसका आह्वान किया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 टीकाकरण की सफलता को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भी आईएमए बिहार के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आयोजित बैठक में ही उक्त फैसला लिया गया है। गंगा और कर्मनाशा के डाटा तट पर बनेगा कॉटेज और वाटर पार्क। गंगा और कर्मनाशा के तट पर बनेंगे कॉटेज और वाटर पार्क। बक्सर जिला की पहचान आने वाले समय में पर्यटन के रूप में भी होने वाली है। आने वाले दिनों में चौसा में 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना पर काम पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां गंगा तट पर कॉटेज और वाटर पार्क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना को मूर्त रूप देने में बिजली परियोजना के निर्माण कंपनी 17 जमुना विद्युत निगम की भी अहम भूमिका होगी। जिलाधिकारी अमन समीर खुद इस योजना में रुचि ले रहे हैं। पूरी योजना में चौसा के इतिहास से जुड़े रानी घाट का जीर्णोद्धार भी शामिल है। तट के पक्कीकरण के लिए मनरेगा से योजना तैयार किया जाएगा। पिछले दिनों चौसा के ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर को सहेजने के लिए जिलाधिकारी अपने वरिष्ठ प्रशासनिक टीम के साथ चौसा पहुंचे थे। दियारा क्षेत्र में फैलने लगा है बूढ़ी गंडक नदी का पानी। मॉनसून के साथ हुए रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जिले में बूढ़ी गंडक नदी का रौद्र रूप जून महीने में ही दिखने लगा था। जून के अंत तक तो रोसड़ा डिवीजन के खतरे के निशान से ऊपर पानी बहने लगा है। नदी का जलस्तर बेगूसराय डिवीजन में भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बेगूसराय जिले में रोसड़ा और बेगूसराय दोनों अधिवेशन का विभागीय परिसीमन है। जानकारी के अनुसार इस साल बूढ़ी गंडक नदी अचंभित करने वाले तरीके से उफन रही है। नदी के तटीय क्षेत्र के गाँव में बसे लोगों के मुताबिक बीते कई सालों में जून महीने में नदी में इतना पानी नहीं था, मगर इस साल बाढ़ विभाग की रिपोर्ट को देखें तो आधे जून से पहले लगातार जल स्तर चढ़ रहा है। शर्मा ने विधानसभा का आगामी सत्र को बताया हंगामेदार। बिहार विधानसभा का आगामी सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। इसको लेकर बिहार में ही बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बाबत कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या विधानसभा सत्र के दौरान पुलिसिया कार्रवाई संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अब तक जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों पर पुलिसिया बर्बरता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस नेता ने इस बाबत कहा कि आगामी विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों पर हुए पुलिसिया जुल्म को जोरदार तरीके से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने पार्टी को मजबूत करने का जारी किया आदेश। आज राजद अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन वर्चुअल रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करने वाले हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन ही सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 3 साल के इंतजार के बाद प्रदेशवासियों को लालू प्रसाद यादव के विचार को सुनने और देखने का मौका मिलेगा। लालू प्रसाद जन जन के नेता है, वो राज्य और देशवासियों के हृदय में वास करते हैं। वो गरीब पीड़ित और अभी वंचितों की आवाज बने हुए हैं। इन वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए उनका जीवन समर्पित है। अब सभी लोगों से उनके विचार को समझने की अपील करता हूं और समाज के सभी वर्ग तबके के उत्थान के लिए संघर्ष करने की अपील करता हूं। आपकी सरकार बनेगी और अब सबको सम्मान और अधिकार मिलेगा।
मदन सहनी के समर्थन में उतरे मंत्री नीरज कुमार बबलू अफसरशाही के मुद्दे को लेकर बगावत पर उतरे मदन सहनी इन दिनों चर्चा का पात्र बने हुए हैं। वहीं जदयू ने भी मदन सहनी के समर्थक और विरोधी दोनों नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीते दिन जीवेश मिश्रा ने उनका विरोध किया था, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उनका समर्थन किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मदन सहनी की मीडिया में बात आ चुकी है, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस पर तुरंत मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कोई भी मंत्री विकास के काम को करता है तो हम लोग भी विकास को लेकर काम करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अधिकारियों का सपोर्ट उसमें मजबूती से मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को बयानबाजी से बचना चाहिए। पॉलिटिशियन को वोट मांगने जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री का काम है निर्णय लेना। मंत्री भी निर्णय लेते हैं कि हमारे विभाग में यह काम होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की बात को मदन सहनी ने किया खारिज। अफसरशाही के मुद्दे को लेकर नाराज चल रहे मदन सहनी के राजद में शामिल होने की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से समय नहीं दिए जाने के बाद मंत्री जी सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली जाकर मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की संभावनाओं को खुद मदन सहनी ने खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है, वो निजी काम से दिल्ली आए हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरों को आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि वो आज भी जदयू में है और आगे भी रहेंगे। जहां एक नेता की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह पूरा मामला मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अधिकारियों के तबादले को लेकर ही फंसा है, जिस कारण यह बखेड़ा खड़ा हो गया, जिससे अब सरकार की किरकिरी हो रही है। जीतन राम मांझी को चिराग पासवान ने दिया बड़ा झटका। चिराग पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बीते दिन बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत हम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके धीरेन्द्र सिंह मुन्ना ने चिराग पासवान का हाथ थाम लिया है, जिसके तहत बीते दिन से 12 जनपद स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में उन्होंने चिराग पासवान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जानकारों की माने तो 5 सांसदों के साथ छोड़ने और लोजपा में उत्पन्न हुए दरार के बाद चिराग पासवान एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। आज रामविलास पासवान की जयंती तो मनाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस बीच धीरेन्द्र सिंह मुन्ना का लोजपा में शामिल होना विरोधियों को बड़ा संदेश है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, धीरेन्द्र सिंह मुन्ना 2015 में नवादा से मांझी की पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पहचान मांझी के करीबी नेता के रूप में होती थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक औरंगजेब ने 1658 में अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में शाही स्वीकृति मिल गई। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1954 में आज के दिन हुई। भारत की 1968 में पहली पनडुब्बी सोवियत रूस में पहुंची। राजन महादेवन ने 1981 में गणित के पाई के 31,811 अंक की गणना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु में डॉल्फिन सिटी का उद्घाटन 1998 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म 1995 में आज के दिन हुआ। भारत की स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ तथा आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिंह का निधन 1957 में आज के दिन हुआ था। मिताली राज ने अपने नाम दर्ज किया अनोखा रिकॉर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अपने नाम नए कीर्तिमान दर्ज किए हैं। इसी क्रम में बीते दिन मिताली राज ने अपने नाम एक और नया अध्याय दर्ज किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे मैच खेल रही थी, जिसमें भारतीय टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन तीनों मैच में मिताली राज ने अर्धशतकीय पारी खेली और साथ ही मिताली राज ने बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ अपना 84वीं जीत भी दर्ज की है। इस जीत के साथ ही वो महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली कप्तान बन गई है। उन्होंने बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। फेसबुक पर भी मिलेगा ट्विटर जैसा खास फीचर। फेसबुक जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर ट्विटर जैसे फीचर को लाने जा रहा है। यह फीचर ट्विटर पर यूज होने वाले फीचर थ्रेड जैसा है। जानकारों की माने तो फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग जोन में है। यह फीचर यूजर के लिए पुराने पोस्ट को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ट्विटर पर इस फीचर का यूज पहले से किया जा रहा है। ज्ञात हो, कई बार ऐसा होता है कि यूजर एक ही पोस्ट में पूरी डिटेल शेयर नहीं कर पाते, इस वजह से कई पोस्ट करनी पड़ती है। ऐसे में थ्रेड फीचर ऐसे कई पोस्ट को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,240 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,240 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 101.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है असलम राज, जयनंदन कुमार, राजीव त्रिलोकी, कौशल कुमार, पवन कुमार, विभा कुमारी, मनोज साइफी, प्रेम कुमार, रवि राज, पंकज कुमार, शंभु कुमार, अमन कुमार, सुजीत सिंह, प्रिंस कुमार, रवि कुमार, अशोक राम, संजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस
प्रकार है। आपके अनुसार कोविड 19 की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने का आधिकारिक फैसला जारी कर देना चाहिए या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।